खबर आपको देंगे पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ अकबर एस बाबर की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की दरखास्त पर फैसला सुना दिया है। अहम तरीन खबर है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि अब पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ अकबर एस बाबर की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की दरखास्त पर फैसला सुना दिया है। अकबर एस बाबर की जानिब से पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ ये दरखास्त दायर की गई थी जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। सिर्फ बात करेंगे टॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुजई हमारे साथ मौजूद है। इरफान बताया गया दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है, आपके पास क्या तफसीलात हैं? तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलरम करार देने के हवाले से दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में आई थी और आज उनके ऊपर समाप्त जारी है। अकबर एस बाबर की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। अकबर एस बाबर ने इसमें अपील की है कि जो पीटीआई के इंतखाबात में वो साफ शफाफ नहीं हुए और पीटीआई के जो पार्टी आइन है उसके मुताबिक नहीं हुए, उन्होंने वो तमाम सबूत की पेश की है कि वो पीटीआई के जो सेक्रेटेरियट है वहाँ पे गए, ना उन्हें कागजात नामजद भी दिया गया, ना इसके अलावा जो लिस्ट दी गई वोटरों की और कोई भी जो ये सवाल कागजात थे वो उन्हें फ्राहम नहीं किए गए। उन्होंने वहाँ जाकर एक वीडियो भी रिकॉर्ड की, वो वीडियो भी उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन में वहाँ पे चला के दिखाई कि किस तरह से उनके साथ नाइंसाफी की गई। तो आज जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने उनकी इस्तदा मुस्तवद करते हुए कहा है कि आप बार बार इंतखाबात नहीं करवा सकते और आप दोबारा इंतखाबात को भूल जाए, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की जो दोबारा इंतखाबात करवाने की इस्तदा है उसे मुस्तवद कर दिया है। जी इरफान सदुजई आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।